खान फैमिली कितनी ब्लेस्ड है, बिकॉज सब में यूनिटी है, सब में यू नो एक एक तरह की सपोर्ट है, सब में एक तरह का प्यार है। हम एक दूसरे की भले ही खुशियों में इतने ना शामिल हो, बट जब किसी की सिचुएशन में कोई तकलीफ या कोई सिनेरियो होता है तो वी आर ऑलवेज देयर टुगेदर एंड वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड दैट्स हाउ इट इज। थोड़ा सा ये होता है कि यार मैं अपने पिता को हर वो खुशी, हर वो सम्मान, हर वो इज्जत दे पाऊँ जिससे यू नो उनको ये हो कि हाँ मेरे बच्चे सारे लायक हैं। आपके भाई बहन ही कहीं ना कहीं जाके आपके काम आएंगे लाइफ के अंदर, वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, सही चीज़ें सिखाएंगे, सही गलती भी होगी तो वही हैं जो आपको उसको राइट ट्रैक पे ला सकते हैं, इसलिए फैमिली की बहुत बड़ी अहमियत है। अरबाज भाई, पंजाब के बारे में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है कि यू नो चाहे यहाँ के लोगों के बारे में या चाहे जो पंजाब का कल्चर है, चाहे आपके दिल में जो पंजाब के लिए फील है? सबसे ज़्यादा एक ही वर्ड समझ में आता है, झप्पी। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि भाई वो खुले दिल के लोग हैं, एकदम यू नो मोहब्बती लोग हैं। लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि तीनों भाइयों को इकट्ठे एक फिल्म में देखना एज एन एक्टर। तो एक फिल्म हम तीनों के साथ मतलब ऑन द लाइंस ऑफ अमर अकबर एंथनी बन रही थी। पंजाब के लोगों वास्ते ना एक कॉन्वर्जेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, बिकॉज आर्टिस्ट जोड़े है वो वर्ल्ड वाइड इन्ने ज़्यादा यू नो सारे के फेवरेट ने कि यू नो मैं एवं लगता कि जो जो स्क्रीन पर देखिए इन्हों के काम में सानू खुशी होंगी है। इनफैक्ट मैं किसी वे सोचता हूँ कि कभी तो बैठा, पर फाइनली अज रब ने सुन लिया, असं बैठ चुके हैं। अरबाज जी, सत श्रीकाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो? बिल्कुल ठीक। गुड टू सी यू। और मेरे को आपका ये फेस का जाम देख के एक क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था तब से लेके आज तक। पर कुछ लोग तो क्रीम खाते लगाते हैं, आप खाते हो गया भी ना? मैं तो मेकअप भी नहीं लगाया, और मैं थोड़ा सा सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ, दो तीन दिन हम प्रमोशन में लगे हुए तो शायद अगर थोड़ी चेहरा थका हुआ लग रहा तो माफ़ कर देना भाई। मुझे ऐसा लगता है कि दो रीज़न होते हैं, या तो बंदा यू नो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा खाता हो, या होता होगा भाभी का प्यार। आई थिंक भाभी का प्यार वर्क कर रहा है इस वक्त। एंड फाइनली भाजी, आज की ये कॉन्वर्जेशन आपकी फिल्म को लेके है, बंदा सिंह चौधरी। भाजी पहले तो प्लीज़ इस फिल्म के बारे में बता दीजिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है पंजाब का बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो आप लेकर आए हो, एंड हमें खुशी है कि किसी हिस्टोरी किसी सब्जेक्ट पे फिल्म बन रही है, और डेफिनेटली उस फिल्म को आपने प्रोड्यूस किया, आपकी प्रोडक्शन में से आ रही है। तो ये फिल्म बंदा सिंह चौधरी बेसिकली एक अराउंड 1970s के आसपास अर्ली 80s की कहानी है, जो कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। एक फिक्टिशियस कैरेक्टर को लेके जो एक जो क्या बोलते हैं रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होके फिल्म बनी है। तो एक बाकायदा एक ऐसी कहानी है जो एक कॉमन माइन की कहानी है। और देखो, आप ज़िंदगी में सबसे जो बड़ी लड़ाई होती है वो अपने हक की होती है, अपने ज़मीन की होती है। तो इस कैरेक्टर के साथ ऐसा है कि जहाँ वो अपने जहाँ उसकी फैमिली थ्रेटेंड है, जहाँ उसकी ज़मीन थ्रेटेंड है, जहाँ उसका घर थ्रेटेंड है, तो वो एक रिजिस्ट करता है कि भाई ये यू नो, और जब रेजिस्टेंस भी काम नहीं करता तो उसको लड़ना पड़ता है, जो हर इंसान को करना पड़ता है अपनी इंटेग्रिटी बचाने के लिए, अपनी फैमिली बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए। तो ये उसकी कहानी है। इट्स अबाउट अ मैन हु इज़ फाइटिंग, हु इज़ गॉट द करेज। जनरली हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर है जब वो लड़ेगा फिल्म के अंदर तो उसकी एक पर्सनालिटी या एक बॉडी या वगैरह होती है, बट मोस्ट लोग जो होते हैं ना वो एक कॉमन मैन की कहानी है, एक फार्मर की कहानी है जो अपने घर गृहस्थी में इन्वॉल्व है, वो उसकी फैमिली है, बच्ची है उसकी, वो उसके अंदर करेज और ताकत तब आएगी जब कोई उसको पुश करेगा, और वो हर इंसान में है। तो उस वक्त ना उसकी हाइट बॉडी मसल कुछ होने की ज़रूरत नहीं होती, उसको करेज अपने आप मिलती है। तो ये कहानी उस ऐसे इंसान की है जो हम सब में बसा हुआ है। एंड भाई, जब मुझे पता लगा ना बंदा सिंह चौधरी जी पे कॉन्सेप्ट बनने लगा है, फिल्म तो मेरे माइंड में थी, बट एक जो चौधरी वर्ड होता है ना वो ना घर पे नॉर्मली यूज़ होता है, कोई ना कोई अपने घर में पक्का चौधरी होता है, हस्बैंड और वाइफ में से होता कोई एक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अरबाज भाई के जो घर पे उनकी वाइफ चौधरी है या आप सबसे ज़्यादा चलती गिनती है? आप किसी भी हिंदुस्तानी या दुनिया में किसी भी मैरिड आदमी से पूछोगे तो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, चौधरी कौन है घर के अंदर वैसे ही पता चल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ना बंदा देख के हक जताया जाता है, बट खान के साथ यू नो ऊपर चौधरी करने के लिए दम चाहिए, तो भाभी मतलब कि वो भी तो खान ही है ना। प्रॉब्लम तो वो है। एंड भाजी, डेफिनेटली मुझे ना जब यू नो
आपको देखता हूँ ना स्पेशली राधा ने स्क्रीन पे हो या यू नो सोहेल भाई को हो, सलमान भाई को हो, अर्पिता जी को हो या आपके फादर साहब को हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि खान फैमिली कितनी ब्लेस्ड है बिकॉज सब में यूनिटी है, सब में यू नो एक एक तरह की सपोर्ट है, सब में एक तरह का प्यार है, जो रिश्ता है जो मतलब कि जॉइंट फैमिलीज में नहीं देखने को मिलता आज आजकल में भाई 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 से अलग हो जाते हैं या भाई भाई में प्यार नहीं रहता, बट ये प्यार ये फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। ये रिश्ता कितना मजबूत और ये आज तक रिश्ता जो रहा है सारी खान फैमिली का, और मैं इस रिश्ते के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और बात भाई तो देखो ये सब शुरुआत तो ऑब्वियसली यू नो अपने बड़ों से ही होती है। मेरे फादर जो उनके साथ जो हुआ है वो जो वो कैसे थे अपने भाई बहनों के साथ, प्लस जब उनकी फैमिली हुई, जब माई फादर गॉट मैरिड उनके बच्चे हुए, तो उन्होंने हमेशा से ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई हमको जब हम बच्चे थे तो उन्होंने बोला कि देखो आप एक लकड़ी लोगे उसको तोड़ोगे तो टूट जाएगी, फिर दो दो को रखोगे तो उसको तोड़ने की कोशिश करोगे वो भी टूट जाएगी, लेकिन फिर अगर आप चार रखोगे तो चार को तोड़ना मुश्किल होता है। इसके इफ़ यू आर टुगेदर एज अ फैमिली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक यू, प्लस आपको आप एक अल्टीमेटली क्या है कि आपके भाई बहन ही कहीं ना कहीं जाके आपके काम आएंगे लाइफ के अंदर, वही आपको सपोर्ट करेंगे, वही आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे, सही चीज़ें सिखाएंगे, सही गलती भी होगी तो वही हैं जो आपको उसको राइट ट्रैक पे ला सकते हैं। इसलिए फैमिली की बहुत बड़ी अहमियत है और वो कल्चर हमारे को हमारे फादर से और वो वैल्यूज़ हमको हमारे फादर मदर से आए हैं और वो उसी में हम हैं। आज हम एक दूसरे की भले ही खुशियों में इतने ना शामिल हों, बट जब किसी की सिचुएशन में कोई तकलीफ या कोई सिनेरियो होता है तो वी आर ऑलवेज देयर टुगेदर एंड वी ऑल लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड दैट्स हाउ इट इज़। भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे फादर साहब एज्ड होते जाते हैं ना, तो आई थिंक वो बीइंग अ सन यू नो बीइंग अ फैमिली मेम्बर, तो थोड़ा सा ये होता है कि यार मैं अपने पिता को हर वो खुशी, हर वो सम्मान, हर वो इज्जत दे पाऊँ जिससे यू नो उनको ये हो कि हाँ मेरे बच्चे सारे लायक हैं। तो आई थिंक सलीम साहब बहुत किस्मत वाले हैं जिनको ऐसे बच्चे, ऐसी औलादें मिली हैं। अर्पिता हूँ हम भी ऐसे ही फील करते हैं क्योंकि हमको ऐसे फादर हमारी ज़िंदगी में इतना गाइडेंस हमको इतने क्लोज नज़दीक से मिलता है, वो खुश नसीब लोगों को मिलता है इस किस्म का, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ मैन ऑफ हिज कैलिबर, ऑफ हिज इंटेलिजेंस, ऑफ हिज इंटेग्रिटी जो हमारी ज़िंदगी में है, जिसकी वजह से कुछ वैल्यूज़ हमको उनसे ऐसे ही मतलब बोलते हैं ना जस्ट इन जीन्स में आए हैं। भाई दबंग फिल्म बनाना, सलमान भाई के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाना, देन फिर ये पंजाब के सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना, अरशद वारसी जो बहुत कमाल के यू नो एक्टर हैं वो फिल्म बनाना, और स्पेशली पंजाब के यू नो किसी ना किसी पार्ट को लेके फिल्म बनाना, अरबाज़ भाई पंजाब के बारे में आपको सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है कि यू नो चाहे यहाँ के लोगों के बारे में या चाहे जो पंजाब का कल्चर है, चाहे आपके दिल में जो पंजाब के लिए फील है, बिकॉज आप आज पंजाब हो तो मेरा ये मैं शायद पंजाबियों को किन्नी चीज़ अट्रैक्ट करें। सबसे ज़्यादा एक ही वर्ड समझ में आता है झप्पी, आगे जाए एक मोहब्बत जो है ना एक वो पंजाबियों में है, एक किस्म की ब्रदरहुड जो है, यू फील लाइक दैट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि भाई वो खुले दिल के लोग हैं, एकदम यू नो मोहब्बती लोग हैं, और मतलब उनकी उनका हर चीज़ बोलते हैं ना कि इधर है, इधर से आती है ना? और मतलब सच्चाई है, अगर उनको आपसे किसी बात की नाराज़गी है तो वो भी दिख जाएगी, किसी बात की खुशी है तो वो भी दिख जाएगी, और जो अच्छी चीज़ है यू नो ठीक है। सो दैट दे आर वेरी इमोशनल पीपल एंड दे आर वेरी लविंग पीपल एंड मोहब्बती बहुत हैं, कहीं पर दुनिया में कहीं पर भी आप मिलेंगे ना पंजाबियों से, सरदारों से, दे आर वंडरफुल पीपल। एंड भाई लास्ट क्वेश्चन जो कि बड़े लोगों की डिमांड है, ये काफ़ी टाइम से आप आज हाथ लगे हो तो मेरे को लगता है कि जितना फ़ायदा मैं ले सकूँ ले लूँ। हीरो फिल्म में आप और सलमान भाई साथ में थे, जो हाँ है ना हीरो फिल्म में आप और सलमान भी साथ में, बट हाँ हाँ लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि तीनों भाइयों को इकट्ठे एक फिल्म में देखना एज एन एक्टर, बेशक प्रोडक्शन सलमान खान की हो, अरबाज़ खान की हो, तो वो कब देखने को मिलेगा? वो कोशिश तो एक बार पहले भी थी, एक डेविड धवन सर और क्या बोलते रमेश तुरानी जी प्रोड्यूसर थे, तो एक फिल्म हम तीनों के साथ मतलब ऑन द लाइन्स ऑफ अमर अकबर एंथनी बन रही थी, लेकिन वो किसी वजह से उस वक्त नहीं बन पाई। उम्मीद ये करते हैं कि भाई हम किसी ना किसी वक्त हम ऐसी कोई स्क्रिप्ट मिले जहां हम तीनों का काम हो और एक एक दूसरे के साथ जस्टिस हो वो रोल्स के अंदर,
तो उसकी मतलब तलाश है अभी भी। अगर सुहेल भाई की फिजिक देख लो, आपकी देख लो, सलमान भाई की देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों कभी एक फ्रेम में आ जाओ ना, आई थिंक आधी जनता पागल कर दो। थैंक यू सो मच, बट वो इफ वी एवर हैव अ ग्रेट स्क्रिप्ट टुगेदर वी विल वर्क टुगेदर। देन थैंक यू सो मच पाजी, एंड जाते जाते मैं डेफिनेटली हमारे पंजाब की ऑडियंस को आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई प्यारा सा मैसेज कर दो, जाके लोग ना खुश हो जाए, बोल दे कि भाई मजा आ गया। नहीं नहीं भाई, यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ आया हूँ मुझे इतना लाइक आई सेड कि अच्छा लगता है, इतनी मोहब्बत लोगों से, मतलब इतना प्यार मिलता है, एंड एवरीथिंग अबाउट यू नो बीइंग इन पंजाब इज़ वंडरफुल, द पीपल आर वंडरफुल, यू नो खाना अच्छा है, जगहें अच्छी हैं देखने के लिए, एक आई थिंक लाइक ऑलमोस्ट देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, लव इन द एयर बोलते हैं ना, और शौकीन लोग हैं, फिल्मों के भी शौकीन हैं, और हम फिल्म बनाते हैं तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब इनको देखा जाता है यहाँ पर और इतना प्यार मिलता है और हम लोगों को इतनी एडुलेशन और यू नो लाइक रिस्पेक्ट मिलती है। तो ऑल आई वुड से कि ये फिल्म भी जो है बंदा सिंह चौधरी जो हमने बनाई है जो पंजाब में बेस्ड है बेसिकली, वो एक आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत प्यार से डायरेक्टर ने, राइटर ने, एक्टर्स ने काम किया इसके अंदर, एंड उम्मीद करते हैं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप यू विल एंजॉय इट एज मच एज वी एंजॉयड मेकिंग इट। I really enjoyed the conversation with you, Paji. Thank you so much for the lovely conversation. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal.